ये हो स्वर्ग से आयो है संदेश बुलावा आयो नाम का आयो है संदेश बुलावा आयो राम का प्रमोद हसनगंज की तरफ से 20 रुपए हमारी पार्टी को धन्यवाद। सुमन क्या बात है सर? हमारे साथ बहुत जल्दी के साथ चलो क्योंकि महाराज ने तुम्हें रात दरबार में बुलाया। महाराज? जी हाँ। आज उन्हें अपने बच्चों की कैसे याद आई सर? यानी मेरे पिताजी हमें दोनों को गिरफ्तार करके बुलाया है। जी हाँ। ठीक है तो हथकड़ी मेरे पिताजी का आदेश है तो मैं सबसे निकलने तैयार हूँ। शांति आज चलो मेरे साथ, तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे एक एक वाला खिला के जिंदा रखा। आज भी मेरे साथ जो भी हो वो बिल्कुल सुधार बना। चलो ले चलो साथियों। शांति का नाम ने आप लोग बैठ जाए भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सुबह बैठ जाओ भैया। काफी समय हो गए हैं लेकिन अभी राजू और काल सिंह नहीं आए हुए। सरदार जी कहां तक प्लान होना चाहिए? चलो आज पैदाम बढ़ाते हैं। कहां पर? मैं बताता हूं। राजू बोल मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब यह है पहला प्रोग्राम बनाया जाए जिला फिरोजाबाद चलने का। सच कहते हो? फिरोजाबाद चलते हैं और गुरु कृपाल की जिंदगी समाप्त। अरे
सरदार जी ये पागल नहीं है भैया। और कसम से नहीं मैं हर किसी से कहूंगा, कसम से नहीं मैं किसी से कहूंगा। और पड़े लाख चिल्ला मेरे भाई कह सुन, इसे तुम पागल समझते हो, पागल नहीं है भैया। ये मेरे राज दरबार का मेरा वफादार सेनापति भूखा हूं। क्या खाओगे? खाऊंगा। क्या खाओगे? अरे मांसा खिलावल कुरुत्र पालतो, अरे मांसा खिलावल कुरुत्र पालतो, सोचना सावधान रही का मांस खाओगे? मांस खाना है तुम्हें? वो भी गुरु कृपाल का। गुरु कृपाल का तो फिर महाराज जौहर सिंह के राज दरबार की तरफ पे काम बढ़ाओ, हम तुम्हारा वही इंतजार करेंगे। वही हाँ, वही तुम्हें गुरु कृपाल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इस बात का वादा। चलता हूँ और सबरी निहार रास भगवान के रास्ते को सेवरी निहार रही थी। हाय सेवरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सेवरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, मीठे बेर को खट्टे व मीठे बेर को खाएंगे, ये भाई। हाँ भैया, बड़ा पैगाम जिला फिरोजाबाद। चलो भैया चलते हैं, और इसका परिचय जानना चाहते थे ना? ठीक है, ये मेरे दरबार का सेनापति मान सिंह। समझ रहा हूँ। समझ गए, चलो फिर काम बढ़ाओ। ओ महाराज की जय। हाँ महाराज, गुरु कृपाल ने आज सुमन से मिलाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। महाराज जौहर सिंह उस दिन गया था तो 3 दिन का आपको टाइम दिया था। सुनो, तीन दिन का टाइम दिया था, और 3 दिन का जो टाइम दिया था तुम्हें, वो 3 दिन का जो टाइम दिया था तुम्हें, 3 दिन में वो सोचा
गुरु कृपाल, पहले सुमन से मुलाकात तो करवा दे। सुमन से मुलाकात? अरे इंस्पेक्टर साहब, सुमन और संदीप को लेकर के बहुत जल्दी से आओ। अरे गुरु कृपाल, आपके कहने के मुताबिक देखो, सुमन देखो महाराज चौहान सिंह, सुमन और शांति तुम्हारे नजरों के सामने। और इंस्पेक्टर साहब, तुम यहां से जाओ, जाओ सागर के होटल पे चाय पियो और वहीं पे समोसा सिखाओ, हमारा नाम बता देना, जा सकते हो। मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर दामन पसार कर दया की भीख मांगता हूँ। अगर हो सके तो मेरे लाल मुझे माफ कर दे, उसे तो माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। मेरे लाल तो नूर तस्वीर मेरी कुल उजाला कराने के थे बड़े हम, अपनी किस्मत से जिला और रैया तक आके गले आके लगता। पिताजी, तुम किसी के कहने से मुझे पिताजी में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन पिताजी हर सूरत ला बिहार और सुमन है आई, जी भर के कर लो प्यार पिता दुख कहने से अपनी औलाद की बलि चढ़ा दी, लेकिन इस प्रभु साक्षी मुझे बचा लिया। बेटा, वास्तव में तेरा कहना सही हुआ, ये एक आस्तीन का सांप निकला जिसने मुझे डसने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को क्या करोगे। महाराज जौहर सिंह, बहुत देर हम परिपक्वता सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, अब हमारी बात सुनो। महाराज काफी टाइम हो गया है, अब सुमन के साथ में हमारी सगाई का इंतजाम बनाओ। पूरे कृपाल, हाँ अब अगर मेरी भले ही दुनिया उजड़ जाए, अच्छा मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरे सामने है। महाराज जौहर सिंह,
अगर शादी हमारे साथ में नहीं करोगे तो राज दरबार में ही आप खून खराबा होगा। तो खून खराबा क्या करेगा? अरे पापी, शायद तुझे नहीं मालूम और तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा, तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा, सरकारी को का तू क्या जो तुम सामने
हमारे बीच को रुकावट करने की कोशिश कर रहे हो। जानना चाहता है गुरु, जानना चाहता है तूने हम दोनों को झूठे लिया में फंसाया था, और रही नाम की बात तो नाम तेरी मौत होने से पहले तुझे बता दूंगा। क्या हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है तो तुम लोग लाहंटर, तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो? जी हाँ। हराम जादे टोपी लगाए माई वन नरेंद्र मोदी खड़े, भैया तुम लोग कौन हो? परिचय जानना चाहते हो तो परिचय तुम्हें बताऊंगा। पागल आओ देखो, तुम्हारे परम मित्र तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे परम मित्र? जी हाँ। ठहरो महाराज, खाना चाहते थे। गुरु कृपाल आपके सामने मौजूद है, ये रहा गुरु कृपाल। महाराज अब भी तुम्हारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, कान से सुनते हो, आंखों पर पट्टी बांध लेते हो। आज आज लेकिन भैया तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? हाँ महाराज, महाराज इसीलिए तो कह रहे हैं कि पर्दा पड़ा हुआ है। अरे महाराज याद करो उस दिन को, बात दम का सताया हूं मैं। महाराज वही याद दिला रहे हैं कि याद करो उस दिन महाराज, जब इस माता चौधरी घंटाल के बहकाए से तुम एक
बूढ़ी माँ और बदनसीब लड़के काल सिंह को आप इसके नाम से वारंट जारी करवाया था। आज वही बूढ़ी माँ का लाल तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है महाराज। ये वही है महाराज जिस गरीब इंसान की सहायता करके तुम और महाराज अभी पर्दा पड़ा हुआ है जो तुम्हारे नजरों के सामने आकर के तुम्हें बचाया। तुम्हारी ही औलाद आज सहाय हुई है महाराज जब बेटा राजू तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा हुआ है। पिताजी मैंने आपसे उस दिन कहा था मुझे माफ कर दे मेरे लाल। नहीं मैं तुझसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ। तूने वास्तव में कहा था कि जब रोगे तो आंसू पोछे पिताजी ये समय का फेर था आपकी कोई गलती नहीं। और पिताजी जिसे आप पागल बता रहे हैं पागल नहीं कौन है भैया ये अपने दरबार का वफादार सेनापति मान सिंह महाराज 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 हमारे खून के इंजाम में तुम अपने बेटे के ऊपर खून का इंजाम लगा दिया। ये सब गुरु घंटाल की चाल है महाराज। भाई माफ कर दो महाराज हम आज भी आपकी सेवा के लिए तो हम मांग रहे हैं महाराज लेकिन इस गुरु कृपाल के कहने से मैंने तुम लोगों का दिल दुखाया है। मालिक हम अब भी तुम्हारे चरणों की धूल हैं। एक बार अपने इस बदनसीब सेना नायक को अपने गले से लगा लो मालिक हेलो। और ये तस्त्रमय का पुरस्कार हमारी माता जी ने इस पागल और महाराज को दिया है ताकि इस गुरु कृपाल के अवतार के कपड़े मारे जाए इसको साले को करनी की सजा मिले। तुम्हारे जैसे अगर अध्यापक हो जाए तो देश के बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। वैसे काम तो सारी और जूतन वाला करीस काम तो सारी और जूतन वाला करीस लेकिन आज हमारे दिल चप्पल है तोरी बही। सही कहा कि लाश को ज्यादा देर जिंदा रखना अच्छी बात नहीं है मिटा दो उस पापी मक्कार को। भैया काल सिंह परसों की धड़क सी ज्वाला को समाप्त
करने का आज वक्त आ गया है। इसकी लाश में डाल दो। चलो चलते हैं, अपना काम खत्म हुआ। महाराज महाराज ठहरो, कहीं नहीं जाएंगे महाराज, लेकिन एक भूल हुई है बेटे राजू से। जो एक काल सिंह है, इनकी बहन शांति देवी को जब गुरु कृपाल छेड़ रहा था, तब इन मौके पर बेटे राजू ने जाकर बचाया, उससे गंधर्व प्यार हुआ है। इसलिए आज इसके हाथ में हाथ दे करके महाराज से बहुत स्वीकार करें। ठीक है सेनापति, आज तुम जो भी कहोगे मैं उसे। राजू महाराज के पैर छूकर, मेरी होने वाली भाभी बेटा, महाराज के पैर पड़ करके आशीर्वाद प्रदान करो। महाराज, और हाँ महाराज, तुमने मुझे बहका दिया। नहीं पहले, और जो मेरी बात तो सुनो, पहले तो बेटी सुमन और काल सिंह का सगाई होनी चाहिए थी। पिताजी, सवेरा भी हो चुका है और सूरज भी उग आया है। जी हाँ, तो रही जिंदगी पे, रही जिंदगी रात्रि में हमारी पार्टी से शानदार जो तमाशा आप लोगों ने देखा है। इस कहानी का नाम था जुल्मी जमाना। जुल्मी जमाना गरीबों किया उर्फ डाकू काल सिंह। दोस्तों, ये जय मां भारत सेनी संगीत पार्टी ग्राम बिलरिया पोस्ट रामकोट थाना रामकोट डिस्ट्रिक्ट सीतापुर आज की रात्रि में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया है, जिसके मालिक हमारे भैया सुनीत पाल ठेकेदार ग्राम बिलरिया पोस्ट रामकोट थाना रामकोट डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और इस पार्टी के पार्टनर मालिक हमारे भैया राम शरण राजवंशी ग्राम चौबे नेवादा पोस्ट मैनासी सरैया थाना रामकोट डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और इस पार्टी के मैनेजर श्री संत राम राजवंशी ग्राम चौबे नेवादा पोस्ट मैनासी सरैया थाना रामकोट डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जिस भाई को हमारी पार्टी की आवश्यकता हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करें या हमसे संपर्क करें, हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद।